दोस्तों, अगर 25,000 रुपीज़ के अंडर आप भी एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें हमें कैमरा क्वालिटी अच्छी मिले, बैटरी लाइफ अच्छी मिले, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिले और ओवरऑल लुक और डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हो, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने रिव्यू करने वाला हूँ वीवो T3 Pro का, जो कि मेरे ख्याल से दोस्तों अंडर 25,000 रुपीज़ एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड फोन है। कुछ प्रॉब्लम्स हालांकि हमें मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों जो फ्लिपकार्ट पर सेल चालू है उसमें मैंने वीवो T3 Pro को भी ऑर्डर किया था और ये फोन लगभग मैं कल से यूज कर रहा हूँ। ये है इसका डब्बा। फटाफट से दोस्तों पहले डब्बे में देख लेता हमें क्या कुछ मिलता है। और जैसा कि दोस्तों हमें वीवो ओप्पो के फोन्स में मिलता है, सारा कुछ हमें डब्बे में ही मिलता है। केबल हमें डब्बे में मिलता है, उसका चार्जर हमें 80 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिलता है, वो भी डब्बे में है, और केस भी दोस्तों हमें डब्बे में ही मिलता है। तो सारा कुछ आपको डब्बे में ही मिलता है, कुछ भी अलग से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्टर, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले है तो फटाफट हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है, तो एक पतला सा इन लोगों ने प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा के दिया है। मेरे ख्याल से दोस्तों अंडर 25,000 में, क्योंकि हमें इस फोन में, अगर मैं स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहले आप डिज़ाइन देख लीजिए। हमें पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है पीछे का, लेकिन इतना दोस्तों मैं मतलब कि फर्स्ट में तो मुझे पता ही नहीं चला पहले दिन कि ये ग्लास है या फिर प्लास्टिक है। मतलब कि दोस्तों बैक पैनल की फीलिंग इतनी अच्छी है कि ये ग्लास को हूबहू रेप्लिकेट करता है। मुझे सर्च करना पड़ा कि इसमें बैक में हमें क्या मटेरियल मिलता है, तो ये प्लास्टिक बैक है। लेकिन दोस्तों जो फील है बैक पैनल का, चाहे ओवरऑल जो फोन का फील है, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। और फोन भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा पतला है। हमें 5500 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब कि आप सोच लीजिए, क्योंकि हमें स्नैपड्रैगन जेन 3 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, तो आराम से दोस्तों 1.5-2 दिन तो आपका ये फोन जरूर से निकाल देगा। और 6.77 इंच का हमें फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट। और अगर दोस्तों कैमरा की बात करें तो हमें 50+8 MP का कैमरा सेटअप मिलता है। हम सभी को पता है दोस्तों वीवो के जो कैमराज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं, चाहे आप फ्रंट कैमरा की बात करें या फिर बैक कैमरा की। लेकिन वीवो के फोन में दोस्तों पहले से क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कैमरा तो अच्छा दे देते हैं लोग, लेकिन प्रोसेसर में ये लोग कंजूसी करते हैं। प्रोसेसर भी अच्छा दे देंगे तो डिस्प्ले में कंजूसी करते हैं। तो कुछ ना कुछ दोस्तों वीवो ऐसी उटपटांग चीजें करता था। लेकिन अभी दोस्तों अंडर 30,000, चाहे आप वीवो T3 Ultra की भी बात करें, वो भी फोन कैमरा सेंट्रिक होने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस भी आप लोगों को निकाल के दे देता है। और ये भी फोन दोस्तों अंडर 25,000 रुपीज़ हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है विद 5500 mAh बैटरी, चार्जर भी बॉक्स में मिलता है, डिस्प्ले भी हमें 6.7 इंच का मिलता है फुल HD AMOLED और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और कैमरा भी दोस्तों मैं कैमरा सैंपल्स दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कैमरा भी दोस्तों फॉर द प्राइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में दोस्तों हमने देखा है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस हमें मिलती है। लेकिन वीवो T3 Pro में दोस्तों हमें कैमरा के साथ परफॉर्मेंस भी मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि प्रॉब्लम्स तो सभी फोन्स में रहती है। तो वीवो T3 Pro की अच्छी बातें तो हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं वीवो T3 Pro में हमें क्या क्या नेगेटिव मिलता है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, जिस प्राइस में हमें वीवो T3 Pro मिल रहा है, चाहे कैमरा से लेकर डिस्प्ले की बात करें या फिर बैटरी लाइफ की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें, सारा कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम एक ही मैं कहूंगा, कुछ यूजर्स को परेशान कर सकता है, बहुत सारे यूजर्स को परेशान नहीं करेगा, वो है दोस्तों वीवो का फन टच OS और ब्लोटवेयर। ब्लोटवेयर हमें मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अंडर 25,000 या फिर अंडर 30,000 भी आप जितने भी फोन देख लीजिए, चाहे आप नॉट 4 देख लीजिए, GT60 रियलमी GT60 देख लीजिए या फिर OnePlus Nord CE4 देख लीजिए, सभी फोन्स में दोस्तों हमें ब्लोटवेयर मिलता है। चाहे IQOO का फोन आप कह लीजिए या फिर वीवो का फोन कह लीजिए, ओप्पो का फोन कह लीजिए, हमें ब्लोटवेयर मिलता है जो कि अनइंस्टॉल आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐप है, गेम यहाँ पर है, तो इसे मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे यूजर्स को फन टच OS पसंद नहीं आता, क्योंकि डिजाइन वगैरह बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि फन टच OS धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसका। हालांकि अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हमें मिलती है, लेकिन फॉर ए नॉर्मल यूजर दोस्तों, जो जिसको दिन में फोन्स करने हैं, जिसको व्हाट्सएप चलाना है, जिसको फोटोज लेने हैं, उसके लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर है जिसको फन टच OS बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको OnePlus का ऑक्सीजन OS पसंद आता है या फिर सैमसंग का One UI पसंद आता है, तब शायद से दोस्तों आपको इसका UI उतना पसंद नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगा एक ही चीज प्रॉब्लम कर सकती है, वो है वीवो का सॉफ्टवेयर और ब्लोटवेयर जो हमें मिलता है। उसके अलावा दोस्तों अंडर 25,000 रुपीज मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन दैट यू कैन बाय। मुझे दोस्तों अंडर 25,000 रुपीज ये फोन पसंद आया, इसलिए मैंने परचेस किया, नहीं तो दोस्तों मैं नहीं करता। मेरे पास OnePlus Nord CE4 भी है जिसमें हमें सेम प्रोसेसर मिलता है, लेकिन उसका कैमरा क्वालिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं, उसका डिजाइन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैंने इस फोन में क्या देखा दोस्तों, हमें बैटरी के साथ डिजाइन भी अच्छा मिलता है, स्लिम फोन है, लुक वगैरह सारा कुछ अच्छा है, इन हैंड फील अच्छा है, डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ अच्छा है। हमें तो Nord CE4 में फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, इसमें कर्व डिस्प्ले है,
तो अंडर 25,000 रुपीज़ दोस्तों इतना कुछ आप लोगों को मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले से लेकर बैटरी लाइफ सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा इस फ़ोन का बेहतरीन है। और ज़रूर से दोस्तों अंडर 25,000 रुपीज़ अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो वीवो T3 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वीवो का फ़ोन पसंद है और अगर आप फ्रंट टच OS यूज़ करते हैं तो ज़रूर से आप अंडर 25,000 रुपीज़ वीवो T3 Pro को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी और भी वीडियोज़ आने वाली है जहाँ पर मैं इसका कैमरा कंपेरिजन करने वाला हूँ, कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करने वाला, तो उन सभी वीडियोज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।